हे गाइस, मेरा नाम है पूजा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी कुकिंग वीडियो की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ये जो मेरी वीडियो है, आप दोनों वीडियो में फ़र्क देख सकते हो, और ये मैंने नॉर्मल फ़ोन के कैमरे से बनाई थी और दिखने में बिल्कुल HD है। आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मेरी सारी वीडियो अच्छी दिखेंगी। तो गाइस, ये मेरा खुद का वीडियो है और इसमें भी आप देख सकते हो दोनों ही में फ़र्क अलग ही आपको दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को ओपन करूंगी और उसमें प्ले स्टोर पर जाऊंगी। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है VN ऐप। बहुत से लोग होंगे जो VN एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो लिख लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले VN ऐप आप लिखोगे, तो उसके बाद ये जो सेकंड वाला आपको एप्लीकेशन दिख रहा है, VN लिखा हुआ है कैपिटल में और पीछे इसका बैकग्राउंड वाइट है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइज, मेरे फ़ोन में ये पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको अपडेट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, काफ़ी टाइम से मैंने अपडेट नहीं किया है। इंस्टॉल करने के बाद में हम इस एप्लीकेशन को गाइज ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ आएगा, जिसके ऊपर सीजर बनी हुई है, उस पर क्लिक करना है। आप पहुंच जाओगे अपनी गैलरी में, और जिस वीडियो की क्वालिटी आपको बढ़ानी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, और इस तरीके से आपका वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपकी वीडियो के लास्ट में आपको आना है, सबसे लास्ट में आना है, स्क्रॉल करना है अपने वीडियो को और सबसे लास्ट में पहुंच जाना है, जहां पे आपको इनपुट टाइटल मिलेगा, कुछ ब्लैंक पार्ट मिलेगा जो आपकी हर वीडियो में आएगा, इसको आपको डिलीट कर देना है और फिर से आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको आ जाना है। उसके बाद इसके ऊपर एक प्लस का आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वीडियो वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से अपने गैलरी में पहुँच जाएंगे, और यहाँ से फिर उसी वीडियो को ले लेंगे जो आपने पहले इसमें सेलेक्ट की थी। अब एक ही वीडियो को हमने दो बार चला दिया, आप देख सकते हैं लेयर बन चुकी है। पहला वीडियो नीचे है, आप देख लीजिए मैंने इस पे ये आइकन लगाया है, और ऊपर वाला वीडियो दूसरा है। तो ध्यान रखना, आपको सेलेक्ट में ध्यान रखना है, अभी आपको ऊपर वाले वीडियो को सेलेक्ट करके रखना है। ऊपर वाले को सेलेक्ट करोगे तो ये ब्लू वाला दिखेगा, और नीचे वाले को सेलेक्ट करोगे तो आपको येलो येलो दिखेगा। तो अभी मैंने ऊपर वाला इसको सेलेक्ट करके रखा है। सेलेक्ट करने के बाद में गाइज आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिट वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, फिर आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, और उस पर आपको मिलेगा यहाँ पर एक्सक्लूजन, EXCLUSION। ध्यान रखना, एक्सक्लूजन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में ये जो नीचे राइट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो वीडियो है इस तरीके का धुंधला सा बन जाएगा। आपको डरना नहीं है, यही आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। अब आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। अब आपको सेव का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा चला दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो चलने लगेगा। आप देख सकते हैं ऊपर एक तीर का निशान आ गया है, एरो का निशान दिख रहा है, इससे आपका वीडियो सेव हो जाएगा। ये सेव का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, और आप एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वीडियो गैलरी में सेव होने लग जाएगा। तो आपके लिए बता दूँ, इसको सेव होने में अब आपकी वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। बड़ा वीडियो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा एक मिनट, छोटा वीडियो तो जल्दी हो जाएगा, लोड हो जाएगा। जैसे ही 100 हो जाएगा तो यहाँ मेरा वीडियो सेव हो गया। अब आपको ये हटाना नहीं और डन नहीं करना, ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे एरो पे क्लिक करोगे ना, तो आप वापस से वहीं पहुंच जाओगे अपनी एप्लीकेशन में, जहां वीडियो को आप एडिट कर रहे थे। अब आपको ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला वीडियो है आपको इसे सेलेक्ट करना है, सेकंड वाला जो वीडियो ऊपर वाला, इसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे ना, तो ब्लू ब्लू हो जाएगा, और इसको आपको डिलीट कर देना है। ऊपर वाला वीडियो सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, फिर से आपको प्लस वाले पे क्लिक करना है, वीडियो से अपनी गैलरी में जाना है, और जो हमने अभी वीडियो सेव किया था धुंधला सा, उसको दोबारा से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे वो आपको सबसे स्टार्टिंग में दिख जाएगा गैलरी में, जो अभी हमने सेव किया था, और ये गंदा सा वीडियो उसके ऊपर आ गया, फिर से लेयर बन गई। फिर से आपको वही वाला प्रोसेस करना है गाइस, नीचे जाना है आपको फिट वाले ऑप्शन में। ध्यान रखना, ऊपर वाला वीडियो ही सेलेक्ट करना है, तभी आपको नीचे फिट का ऑप्शन दिखेगा। नीचे वाला वीडियो सेलेक्ट कर लिया तो नहीं दिखेगा, फिट कर देना है, फिट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से हम लोग ब्लेंडिंग में चलेंगे। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको याद रखना है, इस बार आपको स्क्रीन को सेलेक्ट करना है, एक्सक्लूजन को नहीं करना है, इस बार स्क्रीन को सेलेक्ट करना है। SCREEN स्क्रीन आपको मिलेगा, और इसको आपको 50 के एवरेज में आपको कर देना है। अगर आपकी कुकिंग वीडियो हो तो आप इसको 60 के समथिंग कर दीजिए, अगर आपका खुद का वीडियो हो तो आप इसे 50 के एवरेज में रखिए, यानी 48, 49, 50 के समथिंग। तो मैंने इसको 50 कर दिया है, और ये जो राइट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है नीचे, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो हमारा ये वीडियो यहाँ पे पहुँच जाएगा।
उसके बाद गाइस ऊपर वाली वीडियो का काम खत्म हो गया। अब हम नीचे वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं येलो येलो लाइन सी दिख रही है, इसका मतलब नीचे वाला वीडियो सेलेक्ट है। उसके बाद साइड में ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आपको फिल्टर से लेना देना नहीं है, आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है। हमें अपनी वीडियो में फिल्टर नहीं लगाना है, एडजस्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप एडजस्ट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपके सामने एक्सपोजर का। एक्सपोजर को आपको 30 कर देना है, प्लस में 30 करना है, ध्यान रखना है प्लस में 30 करना है। तो एक्सपोजर को आप प्लस 30 कर दीजिए। उसके बाद में सेकेंड जो ऑप्शन दिखा रहा होगा आपके में, वो दिखाएगा कॉन्ट्रेस्ट का। तो कॉन्ट्रेस्ट को भी आपको प्लस में 30 कर देना है, 25-30 के बीच में आप कितना भी कर लीजिए, कॉन्ट्रेस्ट को आप 25-30 के बीच में कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन है इसमें ब्राइटनेस का। तो गाइज ब्राइटनेस है उसको हमें बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना है। माइनस में 25 आपको ब्राइटनेस करनी है, कुकिंग वीडियो की ब्राइटनेस आपको माइनस में 25 या 20 के समथिंग करनी है। अगर खुद का वीडियो है तो 15 के समथिंग रखिए, बट ये कुकिंग वीडियो है तो माइनस में हम इसको 25 कर देंगे। उसके बाद में एक ऑप्शन आ रहा है सैचुरेशन। सैचुरेशन को गाइज आपको हमेशा 80 के अराउंड रखना है। आप जाइए और 80 के समथिंग आप इसको रख दीजिए, 79, 78, 80 के अराउंड आपको सैचुरेशन को रखना है। SATURATION सैचुरेशन है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसको आपको 80 रखना है। उसके बाद बाकी ऑप्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है। स्क्रॉल करेंगे आगे बढ़ेंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा सारपन का, SHARPEN सारपेन का ऑप्शन मिलेगा। इसको आपको 22 या 25 कर देना है, यानी 25 के अराउंड करना है, 20 से ज़्यादा और 25 से कम कितना भी आप रख दीजिए। और इसको राइट पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हमारा वीडियो HD हो गया बिल्कुल। अब हम इसको सेव करेंगे, दोबारा से एक्सपोर्ट कर लेंगे और इस तरीके से वीडियो सेव हो जाएगा। सेव वाला ऑप्शन अगर आपके वीडियो में नहीं आ रहा है तो आप पहले उसको प्ले कर दीजिए। जैसे आप उसे प्ले पे क्लिक करोगे सेव का ऑप्शन ऊपर आपको दिखाई ज़रूर दे जाएगा। तो ये हमारा वीडियो बनके रेडी हो गया, आप देख सकते हैं दोनों में कितना फ़र्क है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी कुकिंग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।